पढ़ाई करती हूँ मुझे लगता है उनके साथ ड्रामा कर लिया तो अपनी आंखों में उस मकाम पर पहुँच गई हूँ जहाँ पे मुझे पहुँचना था अच्छा है ना बहुत शुक्रिया आज आपकी वालदा की मौजूदगी में हम आपका ये इंटरव्यू कर रहे हैं <laughs> ताकि मैंने कहा भाई वो साथ बैठे और yes. उनके मौजूदगी में ये इंटरव्यू होना चाहिए क्योंकि बच्चों का संभालना आसान काम नहीं होता बच्चों का संभालना बिल्कुल आसान काम नहीं होता मैं तो बहुत जिद्दी बच्ची हूँ तो फिर मुझे तो संभालना बहुत मुश्किल है हाँ इसलिए अच्छा सबसे पहले तो ये बताए एक के बाद एक सारे कामयाब ड्रामों के ऊपर एना आसिफ का नाम है तो ये आप इसको किस्मत करार देती हैं

शहरत का नहीं कुछ फ़ायदा ही नहीं होता क्योंकि स्कूल में भी कोई फ़ायदा नहीं होता सारी टीचर्स वैसे ही ट्रीट करती हैं लेकिन ये होता है कि जब बाहर जाते हैं और दोस्तों के साथ होते हैं और फिर जब लोग आते हैं आपके साथ पिक्चर्स लेने के लिए और फिर वो कुछ तो एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि एक लड़की रोने लग गई थी मुझे देख के तो वो वो देख के बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने मैंने ये चीज़ अकॉम्प्लिश किया है मैंने ये हासिल किया मेहनत करके

कुछ घबराहट हुई थी यहाँ करते हुए बहुत ज्यादा घबराहट हुई थी क्योंकि इससे पहले भी अगर देखा जाए तो मेरा कोई इतना बड़ा करेक्टर नहीं रहा इतना बड़ा जितना एनी का रहा है तो वो हमेशा ही कैसा होता था कि मैं एक सीन का हिस्सा होती थी और सीन मेरे ऊपर नहीं होता था अब ये अल्लाह ने मकाम दिया है कि सीन मेरे ऊपर होता है और लोग उस सीन के हिस्सा होते हैं तो वो जो एक थोड़ा प्रेशर था वो शुरू में बहुत फील होता था कि इतने सीनियर्स मुझे देख रहे हैं सीनियर एक्टर्स जिनका इतना एक्सपीरियंस रहा है वो मुझे देख रहे हैं और उनके सामने एक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना उस चीज़ का थोड़ा प्रेशर फील होता था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कास्ट बहुत अच्छी मिली तो उसकी वजह से मुझे सपोर्ट भी अच्छा मिला और अब होता है कि अब मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ अब आई थिंक आई हैव इट डाउन आई थिंक आई हैव इट यू नो इन माई राइट हैंड के लाइक आई कैन डू इट नाउ अच्छा ये बताएं कि आपका नाम ड्रामे में तो एनी है, yes. असल नाम आपका एना है। <laughs>

मुझे बहुत सिमिलैरिटीज फ़ील हो रही थी मुझ में और एनी में जैसे हम दोनों बहुत जद्दी हैं हम दोनों जो अगर एक चीज़ चाहिए तो फिर वो चाहिए अब वो पढ़ाई ही क्यों ना हो वो कुछ और ही क्यों ना हो तो वो एक कनेक्शन डेवलप हुआ एनी से फिर मुझे लगा कि यार अगर एनी कोई और निभाएगा ना तो शायद मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये कैरेक्टर मेरा होना चाहिए मैं निभाऊंगी और मैं इसको ऐसे निभाऊंगी कि शायद कोई और ना कर पाए कुछ ऐसा डालूंगी इसमें कि शायद कोई और सोचे भी ना कि ऐसा भी हो सकता है

बहुत बहुत जल्दी था और जब मैं जब मैं दुल्हन बन रही थी जब मैंने सारी ज्वेलरी पहनी तब तो मैंने कहा यार ये कितना अजाब है ये क्यों करते हैं लोग मतलब वो इतने बड़े बड़े झुमके ये नेकलेस आपका और ये नत और फिर ये टीका और झूमर और सब मैंने कहा बहुत ये तो बहुत मेहनत है अगर आप दुल्हन बनी है तो फिर सलाम है आपको आपने बहुत मेहनत करके गर्मी में वो भी मैं दुल्हन बनी थी तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि मेकअप भी था साथ साथ और मैं मेकअप इतना करती नहीं हूँ तो फिर वो ब्राइड के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू डू मेकअप तो मेकअप भी था साथ साथ और इतनी जल्दी सोचा नहीं था और फिर मैं मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था मैं तो मुझे मेरा मेरे लिए ऐसा था कि मैंने एक लहंगा पहना हुआ है इट वाज नथिंग लाइक अ ब्राइड ओह माय गॉड आई एम अ ब्राइड ये था कि मैं अपने घर वालों से जरूर पूछ रही थी कि आपको कुछ फील हो रहा है कि मैं आपकी बेटी दुल्हन बन रही है मैंने अपनी अम्मी से पूछा था बिकॉज माई आई डोंट मुझे तो रियल में भी मेरे ख्याल से फील नहीं होगा क्योंकि तुम इतनी दफ़ा उस

Uh, जिनकी अनफॉर्चुनेटली जल्दी शादी हो गई अब वो कंसर्ट से हुई या नहीं दैट्स नॉट समथिंग दैट आई शुड टॉक अबाउट बट हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी 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 कॉमन लाइक हर चार घरों में ऐसा होता ही है कि, कि किसी की जल्दी शादी हो गई और उनको पता भी नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट भी होता है कि जब आप एज अ इंडिविजुअल आप सही हो तब आपको शादी करनी चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि शादी के लिए ना इट्स इट्स ऑल अराउंड अस यू नो इट्स ऑल अराउंड एंड एवरीबडी हैज़ देयर प्रॉब्लम एंड देर आर अ लॉट ऑफ स्टफ दैट मैरज कम्स विद बट आपको अपने आप को समझना चाहिए अपने आप को ढूंढो फिर अपने आप को किसी और में ढूँढो जब आप इमेच्योर होते हो और जब आप छोटे होते हो तब आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती और मैं जब एनी uh, प्ले कर रही थी और ये इतना सेंसिटिव टॉपिक था तो मैं एक चीज़ करती थी कि मैं जब भी सुबह उठ के कुछ करने लगती थी मैं कहती थी यार अगर मेरी शादी हुई हुई होती तो क्या मैं ये कर पाती तो डैड मेड मी रियलाइज दैट मैं कुछ चीज़ें बहुत फॉर ग्रांटेड लेती हूँ वो बहुत ज़्यादा लाइक वो सुबह उठ के नाश्ता अम्मा ने दे दिया और अम्मा ने स्कूल के यूनिफॉर्म प्रेस कर दिया अगर इफ़ आई वॉज मैरिड आई वुड हैाई क्लोथ एंड माई हजबेंड क्लोज एंड मेड ब्रेकफास्ट फॉर बोथ दास एंड फोटीन ये रोल दैट्स लाइक इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी सारी जिम्मेदारियाँ

कर देते एक्शन होता था हम कर देते थे वो तो वो जो रिएक्शंस uh, थे वो कुछ कुछ बहुत जेन्यून थे हमें पता ही नहीं था वो अगला बंदा क्या करने वाला है एंड आद जान तो मेरी एक्टिंग में ना आई विल से आई विल गिव ऑल क्रेडिट्स टू मीसम भाई मिसम नकवी ही इज़ माई डायरेक्टर ही एक्सप्लेन द करेक्टर ही उन्होंने जिस तरीके से समझाया और उन्होंने मुझे एक बच्चे की तरह लेके चले हैं वो उन्होंने हर चीज़ वाई वो एनी क्यों कुछ कर रही है एनी क्यों क्यों पे बैठी है, एनी क्यों बैठी हुई हुई है है ऐसे सो आई हैड इट इन माइंड तो फिर वो एक्टिंग खुद ही आ गई अच्छा अच्छा ये बताएं कि आप ने 11 साल की उम्र में शुरू किया काम yes. तीन साल आपको काम करते हुए हो गए mm -hmm. तो ड्रामे बारह बारह अठारह अठारह घंटे बाद छूट होते हैं हमारे ड्रामे तो आप पढ़ाई वढ़ाई भी करती हैं या पढ़ाई मैं करती हूँ सुबह पढ़ती है मैं तो अभी ओ वन में गई हूँ ओ लेवल्स मेरा अभी शुरू हुआ है तो आई थिंक अगर ओ लेवल्स मेरा शुरू हो रहा है तो मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा लेकिन ओ वन में अपेरिंग मेरी सी आई इसकी नेक्स्ट ईयर होगी तो आई डू आई एम अ लिटिल बिट रिलैक्सड लेकिन ये है कि मैं पढ़ाई करती हूँ मैं सुबह साढ़े छः बजे उठ के स्कूल जाती हूँ एंड देन स्कूल से मैं स्ट्रेट पिक होती हूँ एंड छूट पर जाती हूँ और वहाँ पर मेरा बैग होता है मेरे साथ तो आई डू माई होम वर्क एन एवरी थिंग ऑन सेट एंड देन आई आई कम बैक टू माई हाउस अराउंड

शोभिता नहीं आपने मिली आपको उससे क्या कहेंगे अब खत्म हो गया है उसके बारे में एक अच्छी जर्नी थी उससे बहुत ज्यादा सीखने को मिला uh, टीम बहुत अच्छी थी कास्ट बहुत अच्छी थी एंड इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस आई विल से दैट हम तुम भी आपका एक रमजान प्ले था यस yes. उसके बारे में क्या कहेंगी वो प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है बिकॉज़ मी आई एम अ लिटिल बिट ऑफ अ टॉम बॉय बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा आई एम अ गर्लली गर्ल एंड अ टॉम बॉय अ मिक्स ऑफ बोथ लेकिन स्पोर्ट्स का मुझे भी बहुत शौक है टाइकॉन्डो का मुझे भी बहुत शौक है तो वो चीज़ एक करेक्टर में निभाने में मैं बहुत एक्साइटेड थी और जो जो छो, छोटी छोटी चीज़ें थी आई आर्डर दैट माई सेल्फ एंड आई मेड दैट करेक्टर एंड इट वॉज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट करेक्टर जो मुझे प्ले करने में इतना मज़ा आ रहा था एंड आई विल फर एवर फर एवर बी ग्रेटफुल फॉर द टीम ऑफ हम

A उनके साथ ड्रामा मुझे लगता है, अगर मैंने उनके साथ ड्रामा कर लिया ना तो मैं अपनी आँखों में उस मकाम पर पहुंच गई हूँ जहां पर मुझे पहुंचना था <laughs> uh, कहना चाहेंगी uh, मैं ये कहना चाहूँगी कि मायरी जरूर देखें पसंद करें uh, अगर कुछ बातें हैं जो आपके दिल में है मायरी के बारे में तो वो ज़रूर बताएं लेकिन ये याद रखें कि हम भी इंसान हैं आ, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कह जाएं अपने अल्फाज के साथ थोड़ा सा हमसे ध्यान से रहा करें <laughs> क्योंकि हम हाँ एक्टर्स हैं एक्टिंग तो कर लेते हैं लेकिन हमारी फीलिंग्स हैं तो अगर आपके आपको कुछ ऐसा कहना भी है ना तो थोड़ा सा थोड़ा तमीज़ तहजीब से कह दीजिए हमें भी अच्छा लग जाएगा